Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा आईपी एड्रेस का। दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस हमारा वो लॉजिकल एड्रेस होता है कंप्यूटर का, जिसके जरिए हमारा सिस्टम जो है ग्लोबली यूनिवर्स के अंदर एक्सेस किया जाता है, उस आईपी को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। दोस्तों आईपी एड्रेस हमारा सिस्टम के अंदर असाइन किया जाता है लैंड कार्ड के ऊपर, और हमारा सिस्टम जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता सिर्फ। तो बाइनरी के अंदर या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। ऑन का मतलब होता है 1। दोस्तों बाइनरी के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो हम यहाँ से मिशन स्टार्ट करते हैं। 2s पावर 0, 2s पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों अगर आप इसकी पावर को ओपन करो तो आपको ये याद होगा कि n^0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे मेरा आएगा 1। उसके बाद आपका 2s पावर 1, 1 का मतलब होता है कि आपको 2 को एक बार गुना करना है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 × 1, तो आपका आंसर आ गया 2, तो ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आता है 2s पावर 2, इसका मतलब है आपको 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2, 4, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया। उसके बाद आपका 2s पावर 3, यानी कि आपको 2 को 3 बार गुना करना है, 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू आपका 8 आ गया, 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आया आपका 2s पावर 4, तो आपको 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 16, तो 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपका 2s पावर 5, तो 2 को मैंने 5 बार ही मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 32 आ गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपका 2s पावर 6, 2s पावर 6 को आपको फिर से 2 को 6 बार ही मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर आ गया 64, तो 64 मैंने यहाँ पे लिख दिया। लास्ट आपका 2s पावर 7, तो आप 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 128, तो मैंने 128 यहाँ पे लिख दिया। दोस्तों उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड किया 128 प्लस 64 प्लस 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 255। दोस्तों ये आगे चल के हमारा यूज होगा, इस करके मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैं टेबल सिखाता हूँ बाइनरी का, कि आप 2 लिटरल का टेबल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों लिटरल का मतलब होता है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट अभी मैं यूज कर रहा हूँ ए एंड बी। तो अभी जैसे आपने देखा था 2s पावर 0 से लेके मैंने 2s पावर 7 तक यूज किया हुआ था, तो इसके अंदर मैं अभी सिर्फ यूज कर रहा हूँ 2s पावर 0 और 2s पावर 1। अब दोस्तों आपको कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, तो अगर आपको कुछ भी बाइनरी के अंदर लिखना होगा तो आपको 0 और 1 के फॉर्मेट में ही लिखना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे अपने सिस्टम के अंदर 2 लिखना है, तो 2 का मतलब क्या हुआ कि मुझे अपने सिस्टम को, तो मुझे 2 को 1 ऑन करना है और 1 को ऑफ करना है, तो मैं इसको 0 लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उन दोनों को ऐड कर देना है। अब 2 × 1, 2 आ गया आपका, 1 × 0, 0 आ गया, और 2 + 0 आपका हो गया इज इक्वल टू 2। यानी कि आपको बाइनरी में क्या लिखना है, 1 0 लिखोगे तो आपका 2 लिखा जाएगा, जैसा मैंने यहाँ पे 1 0 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों ऐसे ही आपका 3 का टेबल बनता है, तो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है 2s पावर 0, 2 रेशो द पावर 1, 2 रेशो पावर 2, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख लेता हूँ 4 2 1। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे यहाँ पे 6 लिखना है, तो 6 कैसे लिखेंगे आप, आपको 4 को ऑन करना है, 2 को भी ऑन करना है, और आपको 1 नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ कर देंगे। 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दोगे, तो आपकी वैल्यू आएगी 4 + 2 + 0 इज इक्वल टू 6। यानी कि आपको 6 लिखने के लिए वैल्यू टाइप करनी है 110, जैसे मैंने यहाँ पे 110 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों ऐसे ही आपका 4 लिटरल का टेबल है। 4 लिटरल्स का टेबल का मतलब है कि आपका ये हेक्साडेसिमल का कोड है, जब भी आपका हेक्साडेसिमल की बात होगी तो आपको वहाँ पे 4 वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा ABCD का, और हेक्साडेसिमल के अंदर जो हमारी वैल्यूज होती है वो होती है 0 to 9, A to F। तो A को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 के साथ। मान लीजिए यहाँ पे एक वैल्यू आपको लिखनी है 8, 4,
21 का यूज करके आपको एक वैल्यू गिवन है, आपको बताना है कि वो क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे 13 लेता हूँ तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो आपको इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका आएगा 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। यानी कि अगर आप 13 लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 1101, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1101। दोस्तों इसी तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट टेबल बना के दिखाया हुआ है। दोस्तों क्लियर हुआ आपको? आईपी एड्रेस होता है उसको लैंड कार्ड के ऊपर असाइन किया जाता है। लैंड कार्ड को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। लैंड कार्ड के ऊपर हमारे दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक को हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, दूसरा हमारा होता है लॉजिकल एड्रेस। दोस्तों फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको अगर आप सिस्टम में चेक करना चाहें तो आप कमांड यूज करते हैं ipconfig/all भी कमांड यूज कर सकते हैं, गेट मैक कमांड भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे ये दोनों कमांड्स को रन करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैक एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा होता है, यानी कि 0 to 9 A to F, और ये 48 बिट का एड्रेस होता है आपका। दोस्तों अगर मैंने जनरल फॉर्मेट में आप इसे लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे AA BB CC DD EE FF। दोस्तों ये 48 बिट कैसी है वो मैं आपको एक बार यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अभी आपने हेक्साडेसिमल वाला टेबल देखा था तो उसके अंदर मैंने A को 10 लिया था, तो 10 होता है 8 2 1। तो ये आपका बाइनरी के अंदर 10 लिखा हुआ है, यानी कि हेक्साडेसिमल में मैंने इसको A लिखा है। फिर से यहाँ पे A लिखा हुआ है तो ये भी 1010 लिखा हुआ है, यानी कि ये भी मेरा A लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों ऐसे ही आप BCDEF को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दोनों के अंदर मैंने बाइनरी बिट जो यूज हो रही है वो यहाँ पर भी 4 हो रही है और इसके अंदर भी 4 हो रही है, और मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरी बाइनरी बिट्स आ जाती हैं 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 बिट्स इसमें है, 8 बिट एंड 8 बिट, और ये आपके ब्लॉक हैं 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ तो आपका आंसर आ जाता है 48। दोस्तों इस तरीके से ये 48 बिट्स यहाँ पे काउंट हो जाती है। दोस्तों हमारे मैक एड्रेस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है, एक को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर आईडी, यानी कि कंपनी का सीरियल नंबर के वो किस कंपनी का आईडी है। दूसरा होता है आपका लास्ट के 3 डिजिट आपके सीरियल आईडी के। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया तो AA BB CC आपका मैन्युफैक्चरर आईडी हो गया, और DDEE FF आपका सीरियल आईडी हो गया। दोस्तों ये मैक एड्रेस आपका हार्ड बंड होता है, और ये हार्ड बंड का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसको लैंड कार्ड के अंदर हार्ड बंड कर दिया जाता है। और दोस्तों ये लास्ट ग्लोबली यूनिक होता है, ग्लोबली यूनिक का मतलब होता है कि आप इसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जब आपका एक लैंड कार्ड तैयार होता है तो उसका एक मैक एड्रेस होगा, या लैंड कार्ड अगर आपका खराब हो जाता है या आपका मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो वो आईडी किसी भी और लैंड कार्ड को या मदरबोर्ड को असाइन नहीं की जाती है। इसका मतलब होता है ग्लोबली यूनिक ओवर द यूनिवर्स। दोस्तों दूसरा हमारा होता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस हमारा दो तरह का होता है, IP version 4 and IP version 6। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है IP version 4 और IP version 6 के अंदर। दोस्तों फर्स्ट डिफरेंस है कि IP version 4 आपका 32 बिट का होता है और IP version 6 आपका 128 बिट का है। IP version 4 आपका बाइनरी रिप्रेजेंट के अंदर डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, यानी कि 0 टू 9, और आपका IP version 6 आपका हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है 0 टू 9 A टू F। IP version 4 आपका सेपरेट होता है डॉट के साथ, और IP version 6 आपका सेपरेट होता है कॉलन नोटेशन के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 10.0.0.5, तो यहाँ पे जो डॉट है ये सेपरेटर है यहाँ पे, और IP version 6 में मैंने यहाँ पे 2001.12 AB लिखा हुआ है, तो ये जो कॉलन है ये इसका सेपरेटर है। दोस्तों IP version 4 को हम 4 ऑक्टेट के अंदर डिवाइड करते हैं, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, और IP version 6 को हम 8 हेक्साडेसिमल ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। तो ये ब्लॉक्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दोस्तों हमारी IP version 4 को 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास A B C D E। लेकिन दोस्तों हमारी सिर्फ A, B और C क्लास ही कॉमनली यूज होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लास A की रेंज होती है 0 to 127, क्लास B की होती है 128 to 191, क्लास C की होती है 192 से लेकर
223 तक, क्लास डी की होती है 224 से लेके 239 तक, और क्लास ई की रेंज होती है 240 से लेके 255 तक। लेकिन दोस्तों क्लास ए के अंदर 0 रिजर्व्ड होता है आपका डिफॉल्ट राउटिंग के लिए और 127 यूज होता है आपका लूपबैक के लिए, यानी कि क्लास ए की आपकी वैलिड रेंज होती है सिर्फ 1 से लेके 126 तक। दोस्तों 127 आपका रिजर्व्ड होता है लूपबैक और लोकल होस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे हर एक सिस्टम का जो लोकल आईपी एड्रेस होता है वो होता है 127.0.0.1, जो आपका लास्ट आईपी होता है 255.255.255.255, ये आपका ब्रॉडकास्ट टू ऑल होस्ट ऑन द लोकल नेटवर्क, यानी कि जब आप लोकल नेटवर्क के अंदर आप डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो आपका डाटा जो है वो इस आईपी के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है। समझ आया दोस्तों? इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।